हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहन एंड वेलकम टू फटाफट कॉन्सेप्ट्स बाय टॉपर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हम इसको पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से। तो कैसे है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और इसे कैसे हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन ऑफ साइट की, यानी कि वो लाइन जो ऑब्जर्वर की आंख को कनेक्ट करती है उस चीज से जिसे वो देख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग अ बर्ड विद अ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की आई जो है वो हो जाएगी ऑब्जर्वर की आई, और जो बर्ड है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब हम इस लाइन को अगर कनेक्ट करते हैं, दैट विल बिकम द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम किसी चीज को ऊपर करके देखते हैं, ऐसे मुंह ऊपर करके देखते हैं। जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं गाइस, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हम कई जगहों पर यूज करते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। पर ये तो सेम हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन से, नहीं ऐसा नहीं। जब हम एलिवेशन की बात करते हैं तो हम ऊपर देख रहे होते हैं, पर जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग बिलो द आई लेवल। यानी कि जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों बातों के बाद हमें जरूरत है ट्रिगोनोमेट्री की। ऑफकोर्स इट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हम देखेंगे कुछ बेसिक एंगल्स और उनका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट एंड ऑल सेक। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले हम देखते हैं, वी आर मोस्टली गोइंग टू यूज द एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड विथ दैट ऑल्सो हम साइन, कॉस और टैन का यूज करने वाले। सो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 and tan 30 is equal to 1/√3. Similarly, sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2 and tan 45 is 1. ठीक है, इसका यूज हम कई बार करेंगे। आगे देखते हैं, sin 60 is equal to √3/2, cos 60 is 1/2 and tan 60 is √3. हम इन एंगल्स का यूज करके अभी एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एक टावर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्रीज है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द टावर इज 15 मीटर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि लेंथ ऑफ द टावर क्या है। इसके लिए हम यूज करेंगे टैन का। टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Perpendicular is the line directly opposite to the angle, वो elevation वाला angle, यानी कि height of the tower. And base is the distance between the observer and the tower. So perpendicular upon base is equal to tan 60 degree. यानी कि perpendicular की value हमें नहीं पता है, base की value है 50. And tan 60 degree is very simple, √3. So we will multiply the base to tan 60's value, that is √3. So our answer will become 15√3, and that is the height of the tower. It's so simple. इसमें और कुछ concepts add करके they make lot of questions. We will solve them in our sessions. पर अभी के लिए इतना ही. Thank you very very much. For more such फटाफट concepts, do like and subscribe our channel, and also do not forget to join us on Telegram.